वडोदरा शहर के समा इलाके में स्थित महेश कॉम्प्लेक्स के घर नंबर 106 से 27 साल की महिला की लाश बरामद हुई है। इस मामले में समा पुलिस जांच कर रही है। घर के किचन से इस महिला का शव बरामद हुआ है। खून से लथपथ हालत में इस महिला का शव मिला है। दीपा दर्जी नामक यह महिला 27 साल की है। इस महिला का शव घर के किचन में पड़ा हुआ था। घटना की खबर मिलने पर फौरन समा पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और तहकीकात शुरू कर दी गई थी। इस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए शहर के एसएससी अस्पताल में भेजा गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। प्राथमिक जांच में इस महिला की हत्या की गई होने का खुलासा हुआ है। चाकू से 30 बार किसी अनजान शख्स ने इस महिला पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। दिन दहाड़े महिला के घर में घुसकर हत्या कर देने की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस ओर तहकीकात का दौर शुरू किया है। અઢી ત્રણ વાગ્યાના સુમારે આસામા વિસ્તારના જલારામ મંદિરની બાજુથી પીસીઆર કંટ્રોલ રૂમમાં એક ફોન આવેલો કે કોઈક બેનને કોઈક સ્ટેબિંગથી મારેલ છે અને બેન બહારમાં છે નહીં કરીને, તો હવે આ જગ્યા ઉપર અમે આવીને ક્રાઇમ બ્રાન્ચ લોકલ પોલીસ બધા ચીજવસ્તુમાં તપાસ કરાવી રહી છે। આમાં એક આશરે 30 વર્ષ ઉંમરના પરિણિત દરજીની જે છે એ ચાકુથી દહા મારીને સ્ટેબિંગ થયેલ છે અને હાલમાં એ એસએચ હોસ્પિટલ છે, તો આ બાબતમાં વધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે।